हेलो गाइस, दिस इज सीए श्री राम अग्रवाल। आज अपन स्टार्ट करते हैं डीटी का रिवीजन लेक्चर नंबर 6। वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 6, मिसलेनियस टॉपिक्स। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे टनेज टैक्स स्कीम। टनेज टैक्सेशन स्कीम केवल कंपनी को एप्लीकेबल होती है जो कि एक क्वालिफाइंग शिप जिसके पास होती है। और टनेज टैक्सेशन स्कीम के अंदर अपन इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपन सबसे पहले डेली टनेज की इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने दिन उस शिप को पिछले साल कंपनी ने ऑपरेट किया था। टनेज टैक्सेशन की स्कीम है वो ऑप्शनल होती है एसएससी के लिए। और टनेज टैक्सेशन स्कीम का जो इनकम होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन को ध्यान रखना होता है कि जो टनेज है शिप का उसको अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं नियरेस्ट 100 टन तक। मतलब जितना भी टन होगा उसको नियरेस्ट 100 टन तक अपन राउंड ऑफ कर लेंगे। तो जैसे अगर एसएससी की जो शिप है उसका नेट टनेज है वो अप टू 1000 टन तक है, तो फिर अपन उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे 70/100 टन से उसकी इनकम कैलकुलेट होगी। अगर उसकी इनकम जैसे 1000 टन से लेकर 10,000 टन तक अगर उसका वेट है तो फिर उसकी इनकम कैलकुलेट होगी 700+53/100 टन होगा, जो कि एक्सीड कर रहा है 1000 टन से। और अगर जिसकी टनेज है वो 10,000 से 25,000 के बीच में है तो उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे अपन 5470+42/100 टन से कैलकुलेट होगी। उसके बाद अगर इनकम वो जो नेट टनेज है वो 25,000 से भी एक्सीड कर रहा है तो उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे अपन 11,770+0.29/100 टन का मतलब यार 0.29 per ton हो गया वो। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टनेज टैक्सेशन से इनकम आती है उसके ऊपर न तो कोई डिडक्शन और कोई सेट ऑफ ऑफ लॉसेस भी नहीं कर सकते हैं अपन। और जो मैट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है जो टनेज की इनकम होती है उससे। दो कंडीशन होती है, अगर वो फुलफिल होती है तो ही वो टनेज टैक्सेशन की स्कीम एप्लीकेबल होती है एसएससी को लिए। पहली कंडीशन ये होती है कि एसएससी को जो टनेज टैक्सेशन स्कीम है इसका ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ता है। और दूसरी ये होती है कि जो टनेज टैक्सेशन स्कीम से उसको कंपनी को उसको टनेज टैक्स रिजर्व अकाउंट के अंदर 20% ऑफ बुक प्रॉफिट जो कि उसकी कोर एक्टिविटीज और इंसिडेंटल एक्टिविटीज से जनरेट हो रहा है वो उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। और वो यूटिलाइज उस अमाउंट को या तो नए शिप के लिए कर सकता है और जब तक नया शिप खरीदे नहीं वो उसको बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग क्वालिफाइंग शिप्स के अंदर यूज कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि सबसे पहले एक शिप है उसका नेट टनेज है 1020, तो 1020 को अपन राउंड ऑफ टू 100 करेंगे तो वो आएगा 1000। तो यहाँ 1000 को अपन जैसे उसको 120 डेज तक ऑपरेट किया तो 1000 टन पर अपन इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1000 × 70/100 करेंगे तो आएगा 700 को मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, तो यानी 84,000 का इनकम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे जैसे वो जो सेकंड कंपनी है, सेकंड जो है उसके अंदर क्या होता है कि नेट टनेज है वो 8563 है यहाँ पे, तो 8563 को अपन राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये राउंड ऑफ अपर राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये 8600 हो जाएगा। और इसको 70 डेज तक ऑपरेट किया तो ये जैसे 1000 टन से एक्सीड कर रहा है तो इसको इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, 700+53/100 टन था, यानी 700+ जो कितना एक्सीड कर रहा है 1000 से तो वो हो रहा है 7600 को मल्टीप्लाई कर देंगे × 53/100 करेंगे और उसमें 700 ऐड कर देंगे तो जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा 4728, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज यानी 70 से तो वो आ जाएगा 330,960। वैसे ही नेक्स्ट दो शिप्स का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन इनकम, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम होती है अगर जो पेटेंट डेवलप और रजिस्टर इंडिया से हुए हो, तो उसके अंदर एसएससी को एक ऑप्शन बेनिफिट है कि भाई जो इनकम रॉयल्टी इनकम होती है जो कि पेटेंट डेवलप और रजिस्टर हुए इंडिया के अंदर, उनके लिए टैक्स रेट रहेगी वो सिर्फ 10% रहेगी। और उसकी लेकिन कंडीशन रहती है कि 75% जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए, एसएससी है वो उसका ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई इन्वेंशन कहीं किसी और की कॉपी कर ली और अब आप उसका ये 10% का बेनिफिट नहीं ले सकते अगर आप उसके फर्स्ट इन्वेंटर नहीं हो तो। और एसएससी का जो नेम है वो पेटेंट रजिस्टर के अंदर मेंशन होना चाहिए, मतलब ऐड होना चाहिए। उसके बाद में ये जो इनकम है जो 10% की रेट है वो ग्रॉस इनकम पे लगेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा एसएससी कोई एक्सपेंडिचर का बेनिफिट ले सकता है, जितनी इनकम होगी उसका डायरेक्टली 10% की रेट से टैक्स लगेगा। ये जो कंसेशनल रेट की जो ऑप्शन है वो एसएससी को एक्सरसाइज करना पड़ता है बिफोर ड्यू डेट से। और ध्यान रखना जो रॉयल्टी इनकम होती है उसके ऊपर भी मैट एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 115 BBG।
कार्बन क्रेडिट होते हैं, जो मतलब जैसे ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए जो कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं कंपनीज को, तो उनके ऊपर भी टैक्स रेट जैसे डायरेक्टली 10% रखी गई है। और उसमें भी ऐसा ही है कि आप एक्सपेंडिचर का, कोई भी एक्सपेंडिचर का उसमें अलाउंस नहीं ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 115 BBD, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनीज। इंडियन कंपनी को अगर कोई स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है तो फिर उसके लिए वो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स है वो 15% होगी यहाँ पे, तो 15% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा उसको। लेकिन यहाँ पे बोला है स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी का मतलब हुआ मतलब इंडियन कंपनी ने उस कंपनी के अंदर उसकी 26% या उससे ज्यादा होल्डिंग है तो ही वो स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी कोई एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई एक्सपेंडिचर रिड्यूस नहीं होगा, जितना ग्रॉस अमाउंट है वो डायरेक्टली 15% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है टैक्स इंसेंटिव फॉर IFSC, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स में अगर कोई यूनिट है तो उसके लिए कुछ उसको कुछ टैक्स इंसेंटिव दिए गए हैं, जैसे कि STT और CTT है, वो जो इंसेंटिव IFSC है उनको STT और CTT नहीं लगता है। जैसे 112A में बोला है कि वो जो 1 लाख के ऊपर अगर इनकम है तो उसको 10% रेट से टैक्स लगता है अगर सेक्शन 112A एप्लीकेबल है तो, अगर लेकिन उसमें कंडीशन है कि STT पे होना चाहिए। लेकिन अगर यूनिट IFSC में है तो STT नहीं पे किया तो भी वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं 10% की रेट का। ऐसे ही सेम 111A है, उसमें 15% की रेट का बेनिफिट तभी ले सकते हैं जब STT पे किया हो, लेकिन अगर यूनिट IFSC में है तो फिर ये बेनिफिट विदाउट STT पे करे भी ले सकते हैं। सेक्शन 115JB यानी मैट की रेट जो अदर कंपनीज के लिए 15% है, जो IFSC के अंदर लोकेटेड यूनिट्स है उनके लिए 9% की रेट है, और जो AMT है उनके वो जो अदर SSC है उनके लिए 18.5% की रेट से AMT चार्ज होता है, लेकिन जो IFSC के अंदर यूनिट्स है उनके लिए AMT की रेट सिर्फ 9% होती है। उसके बाद जो ATLA है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ATLA के में डिडक्शन होता है, उसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट 5 ईयर्स है ना उसमें तो 100% डिडक्शन मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 50% का डिडक्शन मिलता है, लेकिन जो यूनिट IFSC के अंदर उनको डिडक्शन 100% मिलता है कोई भी 10 सालों के अंदर, मतलब जो 15 ईयर्स है उनमें से कोई भी 10 सालों के अंदर उनको 10 कंटिन्यूअस 10 सालों के अंदर उनको 100% का डिडक्शन मिलेगा ATLA के अंदर। उसके बाद सेक्शन 115A क्या बोलता है कि कोई भी डिडक्शन इनकम, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम के अंदर के ऊपर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा चैप्टर 6A का, लेकिन यहाँ पे ATLA का डिडक्शन मिल सकता है जो यूनिट IFSC में है उसके उसके, और जो 194LC है उसके अंदर जैसे TDS की रेट होती है 5% होती है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट्स IFSC में उनके लिए 4% है, लेकिन ये रेट 4% सिर्फ तभी है जब इंटरेस्ट इज पेबल ऑन मनी बोरोड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया बाई वे ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड या फिर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है उनके ऊपर अगर वो हो तभी वो 4% की रेट एप्लीकेबल है। उसके बाद सेक्शन 115BAA और सेक्शन 115BADA उनके अंदर ऐसा रहता है कि आप कंसेशनल रेट की से आप टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ऐसा है कि आप चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं ले सकते, लेकिन जो यूनिट एंड IFSC है उनको बोला है कि ATLA का डिडक्शन आप ले सकते हो और उसके बाद भी आप कंसेशनल रेट का बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉलिटिकल पार्टीज, 13A के अंदर है पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम कौन कौन सी एग्जेम्प्ट होती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव होते हैं वो सब एग्जेम्प्ट होते हैं। केवल PGBP की इनकम टैक्सेबल होती है, सैलरी इनकम की हो नहीं सकती, तो सिर्फ PGBP इनकम वो पॉलिटिकल पार्टी को टैक्सेबल होगी, बाकी कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, उसके अलावा कोई भी 20,000 से एक्सीड करता है अगर डोनेशन लेते हैं अपन तो उस जो देता है उसका अपन को नेम और एड्रेस उसको उसका रजिस्टर मेंटेन करना है, उसके अलावा ऑडिट करवानी पड़ेगी, और डोनेशन 2,000 से एक्सीड करता है उसको अपन कैश में नहीं ले सकते हैं बाय वे ऑफ अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या एनी अदर प्रिस्क्राइब मोड से ही लेना है। उसके अलावा ये रिपोर्ट सबमिट करनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर और रिटर्न फर्निश करना है कंपनी को उसके ये पॉलिटिकल पार्टी को, इसका एक एग्जांपल मैंने नीचे लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव होते हैं वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है कि जो 95% उसको कंट्रीब्यूशन रिसीव हुए और जो अमाउंट पिछले साल का जो सरप्लस था इनका टोटल है उसका 95% अगर उसने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया तो फिर वो पूरा इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पॉलिटिकल पार्टी को तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और उसका दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है ये फंक्शन करने चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है जैसे कि पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेगी, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन किस किस से ले सकती है, वो है इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, या फिर HUF, AOP, BOI है वो रेसिडेंट इन इंडिया। तो उसके बाद जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो किस से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है, ऐसे इंडिविजुअल से जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या फिर कोई फॉरेन एंटिटी से, या फिर कोई और इलेक्टोरल ट्रस्ट से भी नहीं ले सकता है, कोई गवर्नमेंट की कंपनी से नहीं ले सकता और कोई फॉरेन सोर्स से भी नहीं ले सकता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल ट्रस्ट है, वो सारे के सारे कॉन्ट्रीब्यूशन बाई वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से लेगा, कैश कुछ भी नहीं लेगा। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड है, वो इलेक्टोरल ट्रस्ट है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो रिसीव करेगा, तो जो मतलब जैसे कॉन्ट्रीब्यूटर अगर रेसिडेंट है तो उसका पेन होगा उसके पास, तो ही वो कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करेगा। और अगर जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया है बट वो नॉन रेसिडेंट है तो फिर उसका पासपोर्ट नंबर लेगा, तो ही वो उसके कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल लिया है मैंने कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है तो उसकी ये सारी इनकम है, तो जैसे उसमें अपने पास था कि अगर वो 20,000 से कंडीशन में था कि 20,000 से एक्सीड करते भी कोई भी वो कंट्रीब्यूशन अगर रिसीव होता है तो उसके वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उनके नेम और एड्रेस मेंटेन करेगा, और 2,000 से एक्सीड करता हुआ कोई भी कैश में अमाउंट नहीं लेगा। और जो बिजनेस इनकम है वो तो नॉर्मली उसको टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी इनकम उसको टैक्सेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे सी पॉइंट में लिया है कि उसने 21,000 का कंट्रीब्यूशन रिसीव किया पर पर्सन से 100% से, और उनके नाम उन्होंने और एड्रेस मेंशन मेंटेन नहीं करे, तो फिर ये जैसे ये अमाउंट इन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो जितनी भी इनकम है सारी टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा, 6 लाख माइनस 30% का डिडक्शन मिल जाएगा, तो 4,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो बाकी इनकम है 5 लाख, 21 लाख, 2 लाख, 50,000, 21 लाख और 3 लाख, ये पूरी टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि इन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं की। लेकिन ICAI ने इसका एक अल्टरनेटिव भी देती है, ICAI जैसे इसका यहाँ पे इनकम पूरी टैक्सेबल हो गई यहाँ पे 56,70,000, लेकिन यहाँ पे ICAI अल्टरनेटिव भी देती है कि जैसे इन्होंने कंडीशन दो फुलफिल नहीं की, जैसे सेक्शन जो सी पॉइंट है कि 21,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जिनके नेम मेंशन नेम का रिकॉर्ड नहीं रखा, और ई में जैसे 2100 का कैश कॉन्ट्रीब्यूशन लिया, तो ये दो में इन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो इन दो की जो इनकम है उनको टैक्सेबल कर दो। और जो एफ में है जैसे वो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी को वैसे भी एग्जेम्प्ट नहीं है, तो ये तो टैक्सेबल होगा, तो ये 21 लाख प्लस 21 लाख प्लस 3 लाख यानी टोटल 45 लाख ही टैक्सेबल होगा। तो ICAI जैसे दो अल्टरनेटिव लेती है, या तो सारी इनकम टैक्सेबल कर दो, या फिर जहां कंडीशन फुलफिल नहीं हुई और जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है उसकी इनकम है उनका टोटल की इनकम टैक्सेबल कर दो। तो जैसे उनकी टोटल आती है 45 लाख, तो यहां पे आपको एक अलग से अल्टरनेटिव में नोट लिखना है कि जैसे 45 लाख की अमाउंट है वो भी ऐसा अपन ऐसा मान सकते हैं कि जैसे 45 लाख की अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी अगर वो जो दो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करती है। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 6 मिसलेनियस टॉपिक्स कंप्लीट होता है। इसका टॉपिक का नाम ही मिसलेनियस टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कभी भी 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको ऐसा नहीं हो स्किप कर दे मिसलेनियस का नाम है तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।